हाय हेलो नमस्ते जय जगन्नाथ। मैं राखी आप लोग को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल साई राखी ब्लॉग्स और फेसबुक पेज राखी महंती। तो आप सभी का रिक्वायरमेंट था एक बार हिंदी में वीडियो बनाए, तो आज बनाते हैं हिंदी में ब्लॉग। तो सुबह अभी कितना हुआ है, 8:30 बजे हुआ है और अभी अभी मैं जस्ट उठा हूँ और भाभी जी घर झाड़ू मार रही है और बाहर चलिए देखिए पापा क्या कर रहे हैं, लकड़ी कट रहे हैं। पापा और उनके पोते दोनों मिलकर लकड़ी को काट रहे हैं। भैया वहाँ पर बैठे हैं। सुबह सुबह तो ये हमारी घर में नई मेहमान है, ये 2 दिन पहले आई है। उसका नाम क्या रखे? गुड्डू। कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, कितना सुंदर है। ओए अजा 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 ओए अजा। तो सुबह का शुरुआत हमेशा मेरी चाय से होती है, थोड़ी चाय पियेंगे उसके बाद थोड़ी सी काम है बाहर निकलेंगे। तो धूप ज़्यादा होने से पहले निकल जाएंगे घर से, कुछ काम है करके आएंगे और घर के लिए कुछ मछली वगैरह लेके आएंगे। तो पहले चाय पी लेती हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, बाहर जाएंगे, कुछ काम है और घर के लिए कुछ सामान लानी है और मछली लानी है, तो इसलिए हम लोग घर से निकल चुके हैं। ये पुरी जगन्नाथ मंदिर आप देखिए, पुरी का धाम, नीरज चक्र बाना कैसे उड़ रहा है, पुरी धाम। देखिए रथ का जो लकड़ी होता है ना, वो आ गई है पुरी धाम पर, इससे रथ बनेगा। तीनों रथ, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का रथ बनेगा। तो पहले मैं तो ATM गई थी कुछ पैसा निकलने के लिए, उसके बाद मैं निकली थी मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। तो पहले मैं निकलती, मुझे एक बच्चे को चप्पल देना था क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसके पैर में चप्पल नहीं थी, वो धूप में घूम रही थी, तो इसलिए उसको चप्पल दी और उसको साथी भाई बहन को बिस्कुट्स दी और वहाँ से चली आई। उसके बाद गई मछली खरीदने के लिए, तो मछली कुछ खरीदी और घर लेके आई। उसके बाद जी धूप में थोड़ी सी शरबत पियेंगे, दही का शरबत। तो उसके बाद मैं कुछ सब्जी वगैरह लेने गई थी एक सब्जी की दुकान में, तो कुछ अपने लिए और कुछ घर के लिए सब्जी लाई। और उसके बाद घर के लिए झाड़ू खरीदने गई थी, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं अभी नहा के आकर पूजा कर चुकी हूँ। ये मेरी तीनों माँ है, ये मेरे लिए सब कुछ है। तो गाइस अभी तो पूजा खत्म हो गई है, तो चलो कुछ खाते हैं। तो खाने के लिए मैं अपने के लिए दही बड़ा रखी हूँ, ये है दही बड़ा, 10 रुपीज़ का दही बड़ा, थोड़ी अच्छा लगता है दही बड़ा खाने के लिए। बहुत जोर से भूख लगी है, पहले खा दूँ उसके बाद बात करनी। तो दही बड़ा खाने के बाद हमेशा दही पानी पीना चाहिए, मज़ा आता है दही पानी, टेस्टी। तो यहाँ पर हमारे पापा खाना बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं। आज हो रहा है बाबा, क्या हो रहा है आज? मछली। तो वहाँ पर ये मछली जो भाज के रखा हुआ है, वहाँ पर आलू भी भाज के रखा हुआ है, यहाँ पर मछलियाँ रेडी हो रहा है, यहाँ पर भाते और पापा अच्छा खाना बनाते हैं हमेशा हमेशा की तरह। और यही हमारी भाभी जान हाथ में क्या लेके खड़ी है,
जानहर पोटल। तो आज फिर साग भी, साग हमारी बनेगी। तो हम तो नॉनवेज आज नहीं खाएंगे और हम आज वेज खाएंगे, इसीलिए हमारे लिए साग बनाए। साग होगा और क्या होगा, थोड़ा सा जनी पनी बचा होगा। पोटल को तो इंग्लिश में पार्बल बोलते हैं, जनी को क्या बोलते हैं मुझे मालूम है। तो पापा ने मसले में हल्दी पाउडर, लंका पाउडर, ये चिकन मसाला पाउडर, बाबा बना रहे करी, मछली करी। तो चूल्हे में जो चीज बनाओ बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए, टेस्टी होता है, नहीं बाबा? और उसके बाद हम दोनों माँ बेटी बहुत ही प्यार कर रहे एक दूसरे को। और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लव यू बाबा। तो ये मेरी बेटी का खाना है, रेडी होके बैठ चुकी है खाने के लिए, तो मैं इसको खिला दूंगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो। यहाँ पर पापा रूल की पोते खा रहे हैं मेथी बैगन। ये तो मछली का करी, ये मेथी बैगन अच्छा लग रहा है, खा लो खा लो। और मिकू खाओ खाओ। तो ये हमारे लिए खाना पका रही है जो भेज का, वहाँ पर है एक सब्जी, ये क्या पकौड़ी छन रही है, प्याज का पकौड़ा। वाह लुकिंग डिलीशियस। चूल्ही में जो चीज करोगे उसका स्वाद अलग है। ये हमारी फाइनली हमारी खाना आ चुका है, भात तो भात, ये साग, ये सब्जी, ये सोरिस बटा सब्जी, और ये पकौड़ी, और ये मेरी बेटी, और ये रानी, और ये मेरे भाई, और ये मेरी भाभी, और ये है लून, लून नहीं है डिब्बे में, नमक, और ये है लंग मिर्ची। चलो हम लोग अब खाते हैं, चलो हम लोग अब खाते हैं बहुत। तो अभी तो 4-5 बज गई है, तो अभी तो चाय बनता है, और यहाँ पर तो बहुत हवा आ रही है बाहर। देखिए मेरी हिंदी सुनकर हंसेंगे नहीं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज तो उड़िया लैंग्वेज है, हम लोग सब उड़िया में बात करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है, लेकिन हम हर रोज बात नहीं करते हैं ना, हिंदी मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर भी हिंदी में बात रेगुलर करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, और एक दिन बात करेंगे तो पाठ लगेगी जैसा मेरा लग रहा है। तो बीच बीच में मैं एक एक हिंदी में भाव डालूंगी, आप सब देखना। तो मेरी हिंदी सुनकर मुझे बेइज्जती मत करना, कमेंट में आलतू फालतू मत लिखना, और मुझ पर हंसना मत। तो ये मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी खाएगी। पपियों खा रही हो, वेरी गुड, लव यू। तो हमारे घर में ये नई मेहमान है, इसके साथ सब खेल रहे हैं। ये देखो कितना क्यूटी सा है, कितना सुंदर है, कितना की प्यारी है, क्यूटी है, कितना सुंदर है। तो मेरा कुछ काम है, मैं दर्जी के पास कुछ कपड़े दिए थे,
सिलाई करने के लिए, वो जा रही हूँ लेने के लिए। सोच रही हूँ पार्लर जाऊँगी आईब्रो सेप करने के लिए, देखूँगी टाइम होगा तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं। और थोड़ी सी गुपचुप वगैरह खा के आएँगे। संडे है और दिन भर घर में रह रह कर पक चुकी हूँ, जाकर थोड़ी घूम कर आऊँगी, अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी गुपचुप गुपचुप खाएँगे, अच्छा लगेगा। तो मैं तो रेडी हूँ, अभी जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ खुला आसमान के नीचे यहाँ पर कुकिंग हो रहा है। अभी रोटी होगा, अब रोटी होगा जो भाभी करेंगी, और हम लोग यहाँ बैठकर टाइम पास थोड़ा करेंगे। उसके बाद खा के सो जाएंगे और सुबह ऑफिस के लिए निकलेंगे। তিন জন দৌড়ি আসতেছে, দাদাজি পোতি দোনো পোতি খা রই হ্যাঁ, রুটি অমুলু খা রই হ্যাঁ, মছলি রুটি খা রই হ্যাঁ। তো থোড়ি সি দুধ দেঙ্গে বিল্লি কো, কুত্তে কো তো রুটি দে দিয়া, बिल्ली को दूध देंगे। लो पी लो। तो ये हमारी रानी के लिए दूध। आजा आजा। तो ये है हमारा रात का खाना, बस दूध और रोटी और कुछ नहीं। तो आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग को अच्छा लगेगा, और मेरी हिंदी बात, थोड़ा थोड़ा खाने खाने की हिंदी बात, और तो यहीं पे ही ब्लॉग में एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग फिर मिलेंगे। टाटा।